दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और एक यूट्यूबर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी वीडियो के अंदर वॉइस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ऑडेसिटी की कि आप 3 क्लिक में अपनी आवाज को यहां से यहां तक लेकर चले जाएंगे। तो अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ये विदाउट इफेक्ट है, और जो अब सुनेंगे आप देखिएगा इफेक्ट लगाने के बाद कितनी हमारी इनहेंस हो जाती है वॉइस। तो अब जो मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं ये इनहेंस करी हुई है ऑडेसिटी के, इसमें बहुत सारे इफेक्ट लगाए गए हैं। आज मैं आप लोगों को वो सारे इफेक्ट सिखाने वाला हूं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्साहो। तो दोस्तों, मैं लेकर चलता हूं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और दिखाता हूं आपको किस तरह से अपनी ऑडियो को आपको एडिट करना है ऑडेसिटी के ऊपर। कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्तों कि मैंने इससे पहले 4 या 5 क्लासेस और बना दी है ऑडेसिटी की, वो क्लासेस जरूर देख लीजिए, आपको उसमें पता चलेगा कि ऑडेसिटी किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरीके से प्रॉपर प्लगइन्स का हम इस्तेमाल करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इंटरनल प्लगइन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, एक्सटर्नल प्लगइन्स के बारे में नहीं। मतलब कि जो हम बाहर से इंस्टॉल करते हैं अपने ऑडेसिटी के अंदर प्लगइन्स, उनके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि OTT होता है या वेलहेला होता है या और बहुत सारे हैं उसके अंदर, मैंने आपको बताए थे, तो उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। आपकी वॉइस को बहुत ज्यादा इनहेंस करने का काम करेंगे वो लोग। आपको इसका बटन यहां पर या यहां मिल जाएगा। इस वीडियो में जितने भी आई बटन में मैंने कैप्शन लगाए हुए हैं वो सभी के सभी ऑडेसिटी के बारे में ही लगाए हुए हैं, आप आई बटन पर जा करके चेक जरूर कर लीजिएगा। एक सवाल का और जवाब देना चाहता हूं दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं मैं किस तरह से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूं, कौन सा माइक है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैंने दिया हुआ है, आप वो माइक खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं Amazon के ऊपर। मैं बोया M1 के माइक से अपनी रिकॉर्डिंग करता हूं, जाइए उसे चेकआउट कीजिए और अगर अच्छा लगे तो आप उसे आप बाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये आ गई हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन, अब इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मेरी यहां पर पहले से ही कुछ प्रोजेक्ट हैं वीडियो के, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। कंटेंट क्रिएटर हो और थंबनेल बनाते हो, लेकिन तो ये मेरी वीडियो है, मैं पहले इस वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करूं। मैं चाहता हूं कि इसकी ऑडियो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प हो जाए, बहुत इनहेंस हो जाए, क्लियर हो जाए, नॉइज रिडक्शन हो जाए। तो आज हम सब चीज इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, पहले मैं इसको क्या करूंगा, वीडियो को हमें MP3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडेसिटी जो है वो MP3 को ही सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आपको ये मिल भी जाएगा। आप गूगल पर जाकर लिखेंगे टोटल ऑडियो कन्वर्टर तो आपको ये मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसमें उठाकर डाल दूंगा और यहां देखिए, यहां बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं। यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां सबसे नीचे वाले में आऊंगा और यहां MP3 सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद ये हमारी फाइल कन्वर्ट हो चुकी है। मैं इस पर डाल देता हूं अपनी ऑडियो, या ऑडियो हो गई है, इसे मैं कट करूंगा और कट करने के बाद डेस्कटॉप पर डाल लेता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आए। तो देखिए, ये आ गई हमारी वीडियो की ऑडियो। अब इसके बाद अब हमारा जो बहुत ही फेवरेट सा प्यारा सा सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ऑडेसिटी। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ओपन हो रहा है। अब ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको मैंने सब चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि ये टूल किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये सब चीज़ें काम करती हैं, मैंने इनके बारे में आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी मैंने आपको बताया था मिल जाएगा, आप उनको पहले जाकर देख लीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद में आप उसे देख लीजिएगा। मास्टर क्लास दी हुई है मैंने, उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर। तो इंपोर्ट करने का बहुत आसान तरीका है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं हम यहां से उठाकर, और ये हमारी MP3 यहां पर आ चुकी है। तो दोस्तों, ये हमारी क्या है, ऑडियो है। अब यहां पर आप देखेंगे ये बीच बीच में खाली स्पेस है, यहां मैं बोलते बोलते चुप गया था, और ये देखिए यहाँ पर ये साइलेंट पार्ट है, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपकी वेव फॉर्म दिखाई दे रही है, जैसे ये है यहाँ से लेकर यहाँ है, यहाँ से ये है, ये सब क्या है हमारी, जहाँ हमने बोला है। और जहाँ ये साइलेंट पार्ट है हमारा, ये वो है जहाँ पर हमने चुप गए थे या हम कोई डायलॉग अपना भूल गए थे। तो इस तरह से हम अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं रुक रुक कर। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसमें भी मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हुई हैं, लेकिन एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम उसको क्या करते हैं, काट छाट कर देते हैं, मतलब गलत पार्ट हम निकाल देते हैं, जहाँ अटकते हैं वहाँ निकाल देते हैं और आपको एक प्योर रेसिपी देते हैं जो बिल्कुल बहुत देखने में अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें जितनी भी नॉइस है उसको हमें खत्म करना है, सबसे पहला काम। तो यहां पर कोई जो भी आपका खाली स्पेस है आप वहां से सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लिया हमने, और सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में आएंगे। इफेक्ट में आने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर। तो यहां से आप क्लिक करेंगे नॉइस रिडक्शन पर, इस पर आप क्लिक करेंगे और सिंपली आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहां पर गेट नॉइस प्रोफाइल, और यहां पर आकर के आप इसको क्लिक कर देंगे
सिंपली ये देखिए मैंने क्लिक किया, मतलब कि हमने सॉफ्टवेयर को ये बता दिया है जो इस तरह की वॉइस है उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम कंट्रोल ए दबाएंगे, कंट्रोल ए दबाने के बाद ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट होने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद यहीं इसी ऑप्शन में दोबारा जाएंगे। हमें इन ऑप्शन से कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, ना यहाँ कुछ करना है, ना यहाँ कुछ करना है, ना यहाँ कुछ करना है, वो पहले हमने वो स्टेप फर्स्ट में किया था, अब हम स्टेप सेकंड पे हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है कि हम यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे, अब जो भी इस तरह की वॉइस थी वो इस पूरी वॉइस में से रिमूव हो जाएगी। अब देखते हैं, सुन करके थोड़ा सा प्ले करते हैं, देखिए देख रहे हैं आप साइलेंट हो गया पाइप, बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइलेंट हो चुका है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, अब भी अगर थोड़ी सी आपकी नॉइस रह जाती है, जैसे कि मान लीजिए मेरे में थोड़ी सी, अभी अगर गौर से सुनेंगे तो आपको दिखाई देगी ये नॉइस आपकी जो आ रही है, पता है किस चीज़ की है, जैसे मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में फ़ैन होते हैं ना, जो सीपीयू के फ़ैन हैं और जो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड के फ़ैन हैं, वो सारे के सारे फ़ैन इसमें वॉइस करते हैं, तो ये आवाज़ उस चीज़ की है, मतलब मेरा पूरा जो रूम है वो वॉइस प्रूफ है, लेकिन यहाँ से इसकी आवाज़ आती है, तो ये उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये भी थोड़ी बहुत कट जाए, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा पूरे को कंट्रोल ए करके, और यहाँ से मैं इफेक्ट में जाऊँगा, और इफेक्ट में जाने के बाद फिर से यहीं जाएंगे, और अब की बार में आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर आना है, और इस ऑप्शन आने के बाद आपको सिंपली क्या कर देना, अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अब देखते हैं कि कौन से फॉन्ट पर, कौन से कलर पर, कौन सा। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी नॉइस रिमूवल, ये पहला स्टेप था हमारा कि हमने अपनी पूरी वॉइस में से नॉइस रिडक्शन कर ली है। अब उसके बाद दूसरे स्टेप पर पहुंचते हैं। दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, इसे हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। अब ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ सब कंप्रेशन में आती हैं, चाहे वो नॉर्मलाइज हो या कंप्रेशन हो या लिमिटर हो, आपकी तीन चीज़ें कंप्रेस के अंदर आती हैं, तो मैं कंप्रेसर आपको सिखा रहा हूँ। तो सिंपली क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्रेस करेंगे, सेटिंग आप अपनी वॉइस के हिसाब से यहाँ रख सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि यही सेटिंग रहने दें जो बाय डिफॉल्ट आती है, और यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। अब ये देखिए आपकी जो वेव फॉर्म है वो कुछ ना कुछ थोड़ी सी ऊपर हो चुकी है, इसका मतलब आपकी वॉइस इनहेंस हो चुकी है, बूस्ट हो चुकी है, सुनेंगे तो आवाज़ भी आपकी तेज आएगी। कॉन्ट्रास्ट आपको नहीं पता कलर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, फिर से जो ऑल सेलेक्ट करेंगे, और ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप यहाँ जाएंगे कंप्रेशन में, पहले ऑप्शन में, और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, नॉर्मलाइज आएंगे, तो नॉर्मलाइज में सिंपली -1 dB रखेंगे, और उसके बाद अप्लाई कर देंगे, थोड़ी सी कम होगी। आप यहाँ पर एक चीज़ और रह जाती है, एक रह जाता है आपका लिमिटर, लिमिटर लेंगे, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है आप इसे सिंपली ऐसे ही कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो बिल्कुल जो वॉइस थी वो सारी की सारी बिल्कुल एक लेवल में आ चुकी है, मतलब आपकी जो हाईएस्ट रेंज की जो वॉइस थी वो तक आपकी लेवल में आ चुकी है, मतलब अब आपकी आवाज़ फटेगी नहीं बिल्कुल भी। अब आप सुन के देखेंगे क्या होता है, तो आपको मैं बता, ठीक है। अब यहाँ से इसे फिर से ऑल सेलेक्ट करना है, ये दो सेटिंग हमारी हो चुकी हैं। अब तीसरी सेटिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये आता है हमारा बेस एंड ट्रबल, आप चाहें तो यहाँ से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ से ना इसे छेड़ें, आप जाइए सिंपल यहाँ पर, यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे सिंपली इसके अंदर क्लिक करेंगे प्रीसेट एंड सेटिंग में, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको मिल जाएगा बेस बूस्ट। तो अपनी वॉइस को हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा बेस भारी लाना चाहते हैं, भारीपन लाना चाहते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इतनी है, तो इतना ही रहने देंगे, और सिंपली क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद थोड़े चेंजेस होंगे आपकी वॉइस के अंदर, होने देंगे, उसके बाद फिर यहीं जाएंगे दोबारा से इसी के अंदर, और अब की बार में फिर यहीं जाना है, और फिर से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद अब की बार में हमें डालना है ट्रेबल बूस्ट। यहाँ डालने के बाद आप देख सकते हैं इसका ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसमें कुछ आपको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर सिंपली हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा और हुआ, अब देखते हैं सुनकर। कॉन्ट्रास्ट आपको नहीं पता कलर कॉन्ट्रास्ट, आप देख रहे हैं वॉइस कितनी ज्यादा इनहेंस हो गई और कितनी खूबसूरत लगने लगी है अभी से ही। अब ये हमारा, अब हमारा आखिरी चरण जो रह गया है, जो आखिरी स्टेप है हमारा, वो रह गया है ग्राफिक ईक्यू। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है, और इस सेटिंग को आप कहीं पर नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगर मोबाइल में आप लोग देख रहे हैं तो इसे जो सेटिंग है आपकी इसे ऐसे रहने दीजिए, और ये सेटिंग आपकी आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देगी, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अप्लाई किया, और ये देखिए कितनी बूस्ट हो चुकी है। अब ये जो आपकी वॉइस है ये यहाँ के इस एरिए को भी फाड़ कर बाहर निकल चुकी है, तो इसे हम थोड़ा नीचे लाएंगे वरना हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा फटी फटी लगेगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल ए दबाएंगे, देखिए ये कंट्रोल ए दबाएंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा पूरा, और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको आना है एम्पलीफाई में। एम्पलीफाई में आने के बाद आप यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है, 11 dB कह रहा है, तो हम 11 dB कम नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा
3-4 dB कम करेंगे, मेक श्योर कर लेंगे यहाँ पे चेक लगा हुआ होना चाहिए आपको और इसे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब आपकी वॉइस नीचे आ चुकी है, अब इसे सुनकर देखते हैं। कंटेंट क्रिएटर हो और थंबनेल बना देख रहे हैं आप हमारी आवाज़ कितनी अच्छी हो गई है, एक बार और सुनाता हूँ मैं आपको, यहाँ से सुनाता हूँ, चलिए यहाँ से सुन लेते हैं। तो जल्दी से इस रील को सेव कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होने वाली है, तो आ जाइए। दोस्तों इस तरह से हम अपनी वॉइस को इन्हेंस करते हैं, इस तरह से हम अपनी वॉइस को जो है बूस्ट करते हैं, इसमें क्रिस्पनेस है वो लेकर आते हैं, बहुत अच्छी लगती है सुनने में। अभी से सेव कैसे करना सिंपली वो देखते हैं। फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑडियो, इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल शिफ्ट ईवी है, आप वो दबाएंगे तो ये सेव होनी शुरू हो जाएगी, मतलब एक पॉपअप खुलेगा आपका। इस पर क्लिक किया तो देखिए पॉपअप खुला, यहाँ पर अपनी ऑडियो का कोई नाम डाल देंगे, तो मान लेते हैं चलिए मैं XX डाल देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये मेक श्योर कर लें सारी सेटिंग आपकी यही होनी चाहिए, स्टूडियो पर क्लिक होना चाहिए स्टीरियो पर, और यहाँ पर ये सब चीज़ जैसी है वैसी रखेंगे। हाँ यहाँ पर ब्राउज में जाने के बाद आप चेक कर लेना कि आपको कहाँ पर सेव करनी है, मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ, तो मैं पहले से ही मेरा सेव है, ये डेस्कटॉप देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पर, आप जहाँ चाहें वहाँ उसे सेव कर सकते हैं, और सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपकी डेस्कटॉप पर आ जाएगी। देखिए यह है XX, अब इसे सुनकर देख लेते हैं कि किस तरह की हमारी वॉइस आती है। थंबनेल बनाते हो लिख कंटेंट क्रिएटर हो और थंबनेल बनाते हो, लेकिन थंबनेल बनाने के बाद आप लोगों को ये देख रहे हैं आप कितनी गलतियां होती हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव था वो था कि हम अपनी ऑडियो को किस तरह से क्रिस्प एंड क्लियर करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हैं, आप लोगों का बहुत प्यार चाहिए, बहुत सपोर्ट चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पर लिंक लगाएं, चाहे मुझे नहीं पता किस तरह से आप करेंगे, मगर मुझे 1000 सब्सक्राइबर आप ही करा के देंगे। मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए गर्मी में फ़ैन भी बंद कर रखा है, सब कुछ बंद कर रखा है, आप देखेंगे यहाँ पसीना आ रहा है, बार बार मैं रुमाल से साफ भी करता हूँ इसे बीच बीच में रोक कर वीडियो को। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं, मैं बहुत सारी वहाँ पर पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ अक्सर, और वहाँ मुझसे बोलकर भी बात कर सकते हैं आप मैसेज के अंदर। फिर भी छोटे मोटे सवाल होते हैं तो मैं कॉमेंट में ही रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा लंबे सवाल होते हैं उनको मैं कह देता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, वहाँ मुझे बोलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता कि ठीक तरह से यहाँ पर मैं समझा पाऊँ कॉमेंट में यूट्यूब के अंदर, लेकिन आप इंस्टाग्राम के अंदर मुझसे बात कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट भी क्लिक करके दे देता हूँ और बहुत सारी वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो आप मेहनत को समझें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें हमारे साथ, और वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देख रहे हैं आप लोग कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के अंदर, प्लीज़ यार सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और गाना सुन के ज़रूर जाइएगा टेक्निकल सा हो वाला। टेक्निकल सो सबको सिखाए यूट्यूब पे, टेक्निकल सो हर सवाल का जवाब ये टेक्निकल गुरु, टेक्निकल सो।